अभी आए हुए हम छोटे सिस्टर की तरफ, और आदिल को और तैमूर को थोड़ा काम करना था, उनके न्यू रैबिट आए हैं, इसका दरवाज़ा लगाना था इन्होंने, इधर बच्चों ने इनको वक्त डाला हुआ है, तंग करके रखा हुआ है। ये सर्दियों में बच्चों का हाल है। ओके मैं आपको देती हूँ बेटा, वेट अ मिनट। ये क्या जी यार, इनकी आईज कैसी लग रही हैं? कहाँ से दिखाऊं? कहाँ भी आए हैं ये इनके क्यूट क्यूट से रैबिट्स, साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये इनके अपने बच्चे हैं? हाँ। तो ये काला क्यों है? अब उनसे पूछो जिनके बच्चे हैं, मुझे क्या सवाल कर। मुझे लग रहा है रैबिट तो दोनों वाइट है। हाँ। रैबिट और रैबिटनी, रैबिट वाइट है, एक बच्चा लेकिन इनका काला है। वो क्यों काला है? अभी ये तो इनसे पूछो, इंटरव्यू लो इनका। और यहाँ पे आए हैं फ्राइज और ये हैं, और हम इस टाइम तकरीबन 12 बज गए। टाइम दिखाती हूँ यार, मोबाइल ही नहीं ऑन हो रहा कोई भी। मेरा मोबाइल कहाँ ऑन होगा? 12 बज गए हैं और हम यहाँ पे खाने लगे हैं छत पे बैठ के। वैसे सर्दी इतनी नहीं है, लेकिन मुझे पहले बहुत लग रही थी कसम से। अब बहन आप बर्गर हद हो गई है। ये रही ये तूने उस दिन भी किया था। ठंडी ठंडी सरप्राइज, पीने का अपना ही मजा है छत पे बैठ के ठंड के बीच में। ये मैं बीच में डाल दूंगी। यहाँ पे स्माइली पर बात हो चुकी है, वहाँ पे आदिल और तैमूर दोनों काम कर रहे हैं। यार ठंडा हो रहा है, कोई धक्का तो दे दो। देख जरा उतार के, तो इस तरह बैठा हुआ कि मैंने नीचे पाँव नीचे नहीं लगाने। क्या मैं शूज पहन ले यार। ये थे कुछ खाने के बाद के हालात, और बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था। हम सिर्फ बर्गर खाने के लिए ऊपर आए थे, फिर हम दोबारा नीचे चले गए थे। साइकिल बेचारी मुंदी पै गई है जी। आज नाश्ता बाहर से लेके आए हैं, अभी सो रहे हैं वो, तो अभी डालते हैं नाश्ता। किस पे डालें? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाश्ता करने लगे हैं, तो अभी फायदा जो है वो भी सो रही है, तो उसको उठाते हैं। अहमद भी सो रहा है अभी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। रात को आते हुए काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 2:30 बज गए थे हमें ऑलमोस्ट घर आते हुए। तो फिर सुबह उठने में भी लेट हो गया, और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैं तकरीबन रात को 9-10 बजे या 11 बजे तक सो जाती हूँ। रात को 3 बजे सोने की वजह से सुबह आँख भी लेट खुली तकरीबन 11 बजे, और तब तक आदिल नाश्ता ले आए थे, और मुझे लग रहा था आदिल मजाक कर रहे हैं। जी नाश्ता लेके जा रहे हैं बंदर, चले चले चले, उठ जाए उठ जाए, नाश्ता आ गया। मेरे हाथ थक गए, मेरे हाथ थक गए, मेरे हाथ थक गए, ओ मेरे हाथ थक गए, थक गए मेरे हाथ थक गए थे। चले बेटा आजे आजे, शाबाश। मेहमत इधर देखो, इधर देखो तो सही, ये मैं ठंडे ठंडे हाथ लगाऊं, ये मेरे ठंडे हाथ आगे मैं लगा पाऊंगा। सलाम कर लें। वालेकुम सलाम। ओ चले उठे ना, जल्दी से नाश्ता ठंडा हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद तकरीबन दोपहर में तो नाश्ता किया था, फिर शाम में मैंने बना लिए थे आलू मटर के पुलाव,
मटर पुलाव जो है मुझे इस तरह से प्लेन अच्छा लगता है, ज़्यादा कलर मतलब ब्राउन ना हो, वाइट वाइट हो और वो फ्लेवरफुल हो, इस तरह के मटर पुलाव मुझे पसंद हैं। और इस तरह के चावल जो है ना मेरी छोटी सिस्टर की सास बहुत अच्छे बनाती हैं। बाय द वे मैंने फिर घर आके बना लिए थे मटर पुलाव शाम में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो थम्स अप लाजमी कीजिएगा और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं नीचे कमेंट में लाजमी बताइएगा। बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और यहाँ पे बस अब हम शाम का खाने लगे हैं खाना, और सलाद में कुछ ज़्यादा था नहीं, मैंने सिर्फ बंद गोभी काटी, उसमें लीमू और नमक डाल के, तो बस अब इंजॉय करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।